क्या आपकी जिंदगी में कोई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मोमेंट रहा है? अगर रहा है तो बताइए। आस्था जी ने प्रश्न पूछा है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स रहे हैं। अब अगर हाल ही में लखीमपुर में जब हम जाना चाह रहे थे पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मिलने, तो काफ़ी एक बड़ा मतलब हमें लड़ना पड़ा काफ़ी। और उसमें जब हम रेस्ट हाउस से निकले तो पुलिस ने घेरा हुआ था। तो जब मैंने पूछा कि बताइए आप किस आधार पर हमें रोक रहे हैं, हम तो सिर्फ घर से निकल रहे हैं बाहर, और हम लखनऊ में थे उस समय, तो कोई जवाब नहीं था। हमने सोचा कि इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, कोई आधार नहीं है हमें रोकने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं। उस समय फिर हम किसी की गाड़ी में बैठ के, काफ़ी तूफान भी थी, बारिश भी थी, किसी की गाड़ी में बैठ के हम थोड़ा आगे चले, और थोड़ी देर बाद जब टोल आया तो टोल गेट पे पूरा प्रशासन, पुलिस खड़ा था। और एक ऐसा मोमेंट आया जब हम घिरे हुए थे और हमें मालूम नहीं था कि ये लोग हमें जाने देंगे कि नहीं, और सारा टोल को ब्लॉक किया हुआ था ट्रकों से। तो उस समय हमारे एक साथी गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने टोल से निकाल ली गाड़ी। पीछे सारी पुलिस आ रही थी, हमारे कार्यकर्ता भी थे, प्रशासन के तमाम लोग थे। तो उस समय मेरे ख्याल से मेरे जो दो तीन साथी थे मेरे साथ थोड़ा सा घबरा गए कि अब क्या करेंगे। तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, लेकिन मैंने कंट्रोल ले लिया सिचुएशन का और मैंने कहा कि देखो अब चलाओ और हाईवे से उतर जाओ। हाईवे से उतर के अंधेरे में, एकदम काफ़ी देर थी, रात की शायद 1:30 बजे थे, अंधेरे में हम गांव के रास्ते से चले। तो गांव के रास्ते कम से कम हम 1-1.5 घंटे के लिए चल रहे थे, पीछे पीछे पुलिस आ रही थी। तो हमें मालूम था कि अगर पुलिस आ जाएगी हमें रोकेगी और हम अपना लक्ष्य नहीं पा पाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे लखीमपुर। तो मुझे ये सूझा कि हम इस रास्ते से हम अगर उतर जाएं और खेती की तरफ चले जाएं, वहाँ पे जाके मैंने कहा कि इंजन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो और हम यहीं वेट करेंगे, उनको दिखेगा नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। तो हमने ये सब किया, गाड़ी को साइड में लिया, काफ़ी अंदर चले गए खेत के, और वहाँ पे लाइट बंद करके, इंजन बंद करके वेट किया, जबकि सारी पुलिस वाले आगे निकल गए क्योंकि हम दिख नहीं रहे थे उन्हें। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मोमेंट है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।